नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्ली से हावड़ा कोलकाता तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से हावड़ा तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल्स के बारे में। जैसे इस रूट पर तकरीबन 13 ट्रेनें चलती हैं, 3 राजधानी ट्रेन है, 1 संपर्क क्रांति ट्रेन है, 2 दुरंतो ट्रेन है और 7 सुपरफास्ट ट्रेन है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नंबर, नाम, दिल्ली के कौन से स्टेशन से वो चलती है और कितने बजे चलती है, कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है और कोलकाता के कौन से स्टेशन पर पहुँचती है, यानी कि हावड़ा, सियालदह या किसी और स्टेशन पर कितने बजे पहुँचती है, कितना समय लगाती है उस ट्रिप को कवर करने के लिए और उस ट्रिप में कितने स्टेशन आते हैं, कौन कौन से दिन चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे सुपर फास्ट ट्रेन इस रूट में है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि वाया गया होकर चलती है, जो कि मात्र 17 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली ट्रेन जो नई दिल्ली को हावड़ा कनेक्ट करती है वो है नेताजी एक्सप्रेस, जिसे पहले कालका मेल ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जिसका ट्रेन नंबर है 12312, ये इंडिया की वन ऑफ द पुरानी ओल्डेस्ट ट्रेनों में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। इसका ट्रेन नंबर है 12312 और ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से रोजाना सुबह 6:15 पे 11 या 16 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 25 घंटे 50 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन में अगले दिन सुबह 8:05 पे ये 14 या 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं, 1446 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर इसके कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और ये जो ट्रेन है ICF कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12324, जो कि हर इतवार और बृहस्पतिवार को सुबह 7:55 पर ये पुरानी दिल्ली स्टेशन से, यानी कि ओल्ड दिल्ली जंक्शन से रवाना होती है और 21:55 बाद अगले दिन सुबह 5:50 पे हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में 9, 13 या 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो वो 21:55 का है, तकरीबन 9 स्टेशन से 1446 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 66 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका नाम है नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12274। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर मंगलवार और शनिवार को दोपहर के 12:40 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:55 बाद ये ट्रेन जो है अगले दिन हावड़ा जंक्शन में सुबह 10:35 पे 8 या 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं और 1529 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 70 किलोमीटर पर आवर। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं, जिसमें आप रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं, यानी कि सेकंड सीटिंग के कोच भी हैं। इसके अलावा जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि है आनंद विहार टर्मिनल सतरागाछी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से हर मंगलवार को दोपहर के 1:25 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और सतरागाछी जंक्शन जो कि कोलकाता का ही एक स्टेशन है यहाँ पर अगले दिन शाम के 4:15 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर रुकती है। 26:50 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1572 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर है 22858। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन नई दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के बीच में चलती है वो है बीकानेर हावड़ा वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया लखनऊ होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12372। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर बृहस्पतिवार को दोपहर के 3:05 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है
और अगले दिन 25 घंटे 45 मिनट बाद ये हावड़ा जंक्शन में शाम के 4:50 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशंस हैं और 1467 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 57 किलोमीटर पर आवर और सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है ये जो ट्रेन है। वैसे बीकानेर राजस्थान से हावड़ा के बीच में चलती है, बट हम इस वीडियो में जो डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं वो नई दिल्ली के सभी स्टेशनों से कोलकाता हावड़ा तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में कर रहे हैं। तो इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि सबसे बढ़िया ट्रेनों में मानी जाती है इंडिया की, जो कि है नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि नई दिल्ली से हर रोज़ चलती है शाम के 4:30 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसका ट्रेन नंबर है 12314 और 17 घंटे 40 मिनट बाद यह ट्रेन जो है अगले दिन सुबह 10:10 पे सियालदह पश्चिम बंगाल कोलकाता में 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशंस हैं और 1458 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 83 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है। इस रूट पे अगर आपने जाना है तो इसमें रेकमेंडेड आप ट्रैवल जरूर करें। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया गया होकर चलती है। हफ्ते में 6 दिन चलती है, शुक्रवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलती है। शाम के 4:50 पे नई दिल्ली से 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 9:55 पे यह ट्रेन जो है पहुंच जाती है हावड़ा जंक्शन में 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे और 17 घंटे 5 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 1451 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और पेंट्री करके कोच। इसके बाद जो अगली राजधानी इस रूट पे चलती है वो है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है। ये जो ट्रेन है हर शुक्रवार को नई दिल्ली से शाम के 4:50 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:25 बाद ये ट्रेन जो है अगले दिन 12:15 पे 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन में पहुंच जाती है और इसका ट्रेन नंबर है 12306। इसके तकरीबन 9 स्टेशंस हैं और 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 79 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऐसे ऑपरेट करता है और ये जो ट्रेन है इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच है और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है। पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना होकर हफ्ते में 4 दिन चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है 12304। ये जो ट्रेन है शाम के 5:40 पे चलती है। हर इतवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये 5:40 पे नई दिल्ली से 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और अगले दिन शाम के 5 बजे यह हावड़ा जंक्शन में पहुंच जाती है 14 या 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तकरीबन 23 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशंस हैं और 1531 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 66 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है, वो भी पूर्वा एक्सप्रेस है, जो कि वाया गया होकर चलती है। यह हफ्ते में 3 दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12382। नई दिल्ली से हर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को यह ट्रेन जो है पूर्वा एक्सप्रेस शाम के 5:40 पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 23 घंटे 20 मिनट बाद यह ट्रेन जो है हावड़ा जंक्शन में अगले दिन शाम के 5 बजे 14 या 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुँचती है और इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं। 1450 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर और सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। पूर्वा एक्सप्रेस वैसे डेली चलती है। हफ्ते में 3 दिन ये जो ट्रेन है वाया पटना होकर चलती है, सॉरी हफ्ते में 3 दिन वाया गया होकर चलती है और हफ्ते में 4 दिन वाया पटना होकर चलती है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये दोनों ट्रेनों के 2 रूट्स हैं।
इसके बाद जो अगली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो कि है बीकानेर सियालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हफ्ते में 4 दिन चलती है, नई दिल्ली से हर सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को शाम को 7:45 पे 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:30 बाद ये ट्रेन जो है सियालदा पश्चिम बंगाल में दोपहर के 1:15 पे 11 या 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है और 17:30 पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है। उसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं, 1458 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है अमृतसर सियालदा जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12380। यह जो ट्रेन है वीकली ट्रेन है, हर इतवार को पुरानी दिल्ली स्टेशन से रात के 8:15 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20:20 बाद यह ट्रेन जो है अगले दिन सियालदा में शाम के 4:35 पे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 11 स्टेशन है, 1453 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 71 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलने वाली जो आखिरी ट्रेन इस रूट पे चलती है वो है पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12330। ये जो ट्रेन है हर बुधवार को रात के 8:20 पे ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आनंद विहार टर्मिनल नई दिल्ली से रवाना होती है और 20:15 बाद सियालदा कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये शाम के 4:35 पे 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके रुकती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 1445 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 71 किलोमीटर पर आवर। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसका ट्रेन नंबर है 12330 और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है तो ये LHB कोचेज वाली ट्रेन है। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से हावड़ा या कोलकाता तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।